कॉस्ट प्राइस क्या थी इसकी? 33। तो भाग छोटे से देंगे 33,000। कितनी बार कट जाएगा ये भाई? 3 0 से 3 0, ये कैंसिल। 33 का दुगना कितना होता है? 66। तो आंसर इसका कितना बनेगा? 20%। ऑप्शन नंबर। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज का मैथ्स का टॉपिक है अपना लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यहाँ है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि भाई पूरे मैथ्स में अगर हम बात करें तो परसेंटेज एक चैप्टर होता है, उससे कम से कम 5 से 6 चैप्टर जुड़े हुए हैं, है ना। और परसेंटेज ऐसा चैप्टर है जिससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप ये समझो कि परसेंटेज जो चैप्टर होता है वो पूरा 60% घेरे हुए है पूरे मैथ्स को, है ना। उसी के अंतर्गत अपन किसकी बात करेंगे यहाँ पर? लाभ हानि। क्योंकि परसेंटेज से जुड़े हुए कितने चैप्टर है? 5 से 6 चैप्टर। उनमें से ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है लाभ हानि, है ना। तो आज इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखो, अगर हम शब्दों को, इनकी टर्म्स को समझ लें तो चैप्टर बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, हमें किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो देखते हैं, जैसे अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो लाभ, लाभ मतलब क्या होगा? प्रॉफिट, है ना। और अगर हम अपनी भाषा में बोले तो इसका मतलब क्या होता है? फायदा। क्या होता है भाई? फायदा, है ना। लाभ का मतलब क्या होगा? फायदा। अपनी डेली जिंदगी में चलता रहता है फायदा नुकसान, ठीक है। दूसरे शब्द की बात करें यदि हम, हानि, हानि मीन्स क्या होता है? लॉस। और लॉस अगर हम अपनी भाषा में बोलेंगे तो नुकसान। क्योंकि देखिए जनरली हम कौन से शब्द समझते हैं भाई? नुकसान, फायदा, है ना। माना कि भाई हमने किसी भी शॉप से 10 रुपए का कोई सामान खरीदा, हाँ, और उसे हमने, ठीक है, खरीदा कितने में हमने उसको? 10 रुपए में। उसे बेच कितने में दिया? 20 रुपए में। तो इस कंडीशन पे हमें क्या होगा? नुकसान होगा कि फायदा होगा? फायदा होगा। कितने रुपए का फायदा होगा भाई? 10 रुपए, है ना। कितने रुपए का फायदा होगा? 10 रुपए का। और यदि इसी को हमने 30 रुपए में खरीदा और 10 रुपए में बेच दिया, इस कंडीशन पे क्या होगा? नुकसान होगा। मतलब 30 में खरीदा और कितने में बेच दिया। तो ये चीजें हम चलती रहती है। जैसे कि अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डिवाइसेस खरीदते हैं, एक बार खरीदने के बाद उसकी कीमत क्या हो जाती है? अगर आप उसको चेंज करते हो वापस दुकान पर जाकर, तो वो चीज क्या हो जाएगी? क्या वो उसी में जाएगी क्या? माना हमने 30,000 का फोन खरीदा, है ना, हम फोन खरीद लिया, ठीक है। मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी डिवाइसेस होती है अगर उनको हम एक बार खरीद लेते हैं तो वापस वो उसी कीमत पे दुकानदार नहीं लेता है। 30,000 का फोन खरीदा भाई, उसमें सिम कार्ड वगैरह सब कुछ लगा लिया, तो 5-1 घंटे बाद मूड चेंज हुआ, नहीं यार आईफोन खरीदना है, कहाँ 30 कहाँ आईफोन। तो हम क्या करेंगे? उसको वापस जाएंगे, क्या शॉप वाला पूरा 30 में लेगा क्या उसको? वो कितने में लेगा? या तो 28 में लेगा या फिर 29,000 मिलेगा। तो बताइए इस कंडीशन पे क्या होगा? नुकसान ही होगा भाई, है ना। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास टूटा, 12,000 रुपया। तो ये चीजें हमें समझ में होगी कि भाई नुकसान फायदे हमारी जिंदगी में चलते रहते हैं। और आपको इस चैप्टर में ये दो शब्दों का मीनिंग पता होना चाहिए, है ना। चलिए एक और शब्द देखते हैं। अगला शब्द है, जैसे आपने सुना होगा क्रय मूल्य, है ना। शब्द क्या है? क्रय मूल्य। इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, है ना, या फिर इसको बोला जाता है सीपी। और अगर इसको हम अपनी भाषा में समझे तो इसका मतलब होता है खरीदना, ठीक है। सीपी का मतलब क्या होगा? खरीदना। अगर हम किस, जैसे कि अभी हमने 30,000 का फोन खरीदा, तो खरीदारी ही क्या कहलाएगी? क्रय मूल्य। खरीदारी क्या कहलाती है? क्रय मूल्य, है ना। अगला शब्द होता है विक्रय मूल्य। देखो विक्रय से वैसे क्लियर हो रहा है बेचना, तो ये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। और इसको क्या कहा जाता है? सेलिंग प्राइस, है ना, या फिर एसपी। और इसका मतलब क्या होता है? बेचना। बताइए यहां तक बात क्लियर? तो देखिए इसमें से हमें अपने कौन से वाले शब्द समझ में आ रहे हैं? फायदा हुआ, नुकसान हुआ, खरीदना हुआ और बेचना हुआ। लेकिन इसी को मैथ्स के टर्म में क्या कहा जाता है? प्रॉफिट या फिर लाभ। नुकसान को क्या कहा जाता है? लॉस या फिर हानि। खरीदने को क्या कहा जाता है? कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य। और बेचने को क्या कहा जाता है? सेलिंग प्राइस या फिर एसपी। अगर आपको ये 3-4 शब्द याद है तो समझो कि आपका चैप्टर हो गया, मतलब खत्म चैप्टर, है ना।
तो समझ में आ रहा है आपको, चार शब्द, ये चार टर्म से इनको आपको याद रखना है ना। चलिए अगली बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई कुछ। अब देखो परसेंटेज भी इसमें मैंने क्या कहा है कि ये चैप्टर किससे जुड़ा हुआ है पूरा, परसेंटेज। तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाएगा, परसेंटेज। आपको पता है कि परसेंटेज का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/100। अक्सर लोग क्या बोलते हैं भाई, परसेंटेज बराबर 100, बल्कि परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है। लेकिन हर वस्तु अपने आप में कितनी होती है, हम एप्रोक्स लेकर कितना चलते हैं उसको, 100%, है ना। वैसे हमें पता है कि कोई भी वस्तु दुनिया में 100% नहीं है, 99.99, लेकिन हम लगभग में कितना लेकर चलते हैं, 100%। तो यदि अगर किसी वस्तु की बात करें हम, तो वहां अपने आप में कितनी होगी, 100%, 100%। लेकिन इसी का प्रतिशत का जो जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, और इसका मान कितना होता है, है ना। माना इसमें यदि एक्स में क्या लगा हुआ है, प्रतिशत, और हमें प्रतिशत का साइन हटाना है, तो क्या करेंगे हम भाई, ये प्रतिशत बराबर कितना होता है, 1/100। क्या हम इसको 1/100 लिख सकते हैं क्या, है ना। तभी तभी जहां से भी परसेंटेज हटेगा उसके लिए हमें डिवाइड में क्या लिखना पड़ेगा, 100, बटे में क्या लिखना पड़ेगा, 100। ये बात क्लियर रहेगी आपको, समझ में आ रहा आपको। यदि हमें किसी संख्या को, किसी नंबर को प्रतिशत से हटाना है, परसेंटेज से हटाना है, तो डिवाइड में क्या करना पड़ेगा, 100। लेकिन हम चाहते हैं कि उसी नंबर को फिर से परसेंटेज में बोला जाए, ठीक है, उसी नंबर को किसमें बदला जाए, फिर से परसेंटेज। तो आपको ये नोट याद रखना होगा कि किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को अगेन या दोबारा परसेंटेज में बदलना हो तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से, खत्म बात। बस ये इतना सा पॉइंट तो लग रहा है, लेकिन ये बहुत काम का है। किसी भी नंबर को यदि किसमें बदलना हो, परसेंटेज में, तो आप हमेशा गुणा किससे करोगे, 100 से। इतनी बात आपको याद रहेगी। सीपी मतलब क्या होता है, खरीदना। एसपी मतलब क्या होता है, बेचना। फायदा मीन्स लाभ और नुकसान मीन्स हानि। परसेंटेज बराबर कितना होता है, 1/100। परसेंटेज का मान कितना होता है, 1/100। हर नंबर अपने आप में कितना होता है, 100%। यदि प्रतिशत का साइन हटता है तो डिवाइड में क्या लग जाता है, क्यों लग जाता है, क्योंकि हमें पता है भाई ये प्रतिशत बराबर क्या होता है, 1/100। अगेन किसी नंबर को यदि प्रतिशत में बदलना हो तो किससे गुणा करोगे, 100 से। ये आपको 4 से 5 से 6 पॉइंट कुल मिलाकर, 4 पॉइंट्स तो ये, हाँ 5, ये 5वां पॉइंट, 6, ये 6 से 7 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। मतलब याद कैसे, ये तो इस चैप्टर के लिए है, लेकिन ये परसेंटेज से जितने भी चैप्टर्स जुड़े हैं उन सब के लिए। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब जब भी हमें नुकसान होगा या तो फायदा होगा, ये किस पर होगा, हमेशा सीपी पर। अगर नुकसान हुआ तो भी किस पर होगा, सीपी पर। फायदा हुआ तो भी किस पर होगा, सीपी पर। यदि हम खरीदेंगे नहीं तो नुकसान फायदा कैसा, है ना। नुकसान फायदे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, खरीद कर फिर बेचना पड़ेगा, कि डायरेक्ट बेच दो, बेचा बेचोगे भी तो कहीं ना कहीं से तो आपने खरीदा होगा। तो जो भी नुकसान या फायदा किस पर होगा, सीपी पर। यहां तक बात क्लियर है, चलिए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं अपन, है ना, देखते हैं। देखिए अगर मैंने कहा कि किसी वस्तु की कीमत 15,000 रुपये है, कितनी है, 15,000। किसी वस्तु की कीमत कितनी है, 15,000। अब बताइए 15,000 में किसी वस्तु को खरीदा गया, इसका मतलब ये क्या हो गया उसका सीपी, क्योंकि भाई इस चैप्टर में अपन को क्या रखना पड़ेगा, अपनी भाषा तो चलेगी, लेकिन अपन ने इनकी भाषा को किसमें बदल दिया है, अपनी लैंग्वेज में। 15,000 पे यदि किसी वस्तु का सीपी है, या 15,000 हमने किसी वस्तु को खरीदा और इस वस्तु को यदि हमने 20,000 में बेच दिया, बेचने को क्या बोलते हैं, एसपी। तो यहां से बताइए आपको नुकसान होगा कि फायदा होगा, फायदा होगा। कितने रुपए का फायदा होगा यहाँ पे, 5,000। देखो फायदा कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, 5,000। अब देखो अब मैं चाहती हूँ कि भाई ये 5,000 परसेंटेज में आप बताओ, तो परसेंटेज में बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 500 को क्या करेंगे, सॉरी 5,000 को क्या करेंगे, किस में चेंज करना है अपने को, परसेंटेज। अभी नोट लिखवाया है, किसी भी नंबर को परसेंटेज में बदलना हो तो किससे गुणा करना पड़ता है, 100 से। तो यहाँ मैंने किससे गुणा कर दिया, 100 से। देखिए अब मैंने क्या कहा कि भाई जो भी नुकसान फायदा होगा वो किस पर होगा, तो आपको हमेशा किससे भाग देना पड़ेगा, सीपी कितने रुपए है,
तो यहाँ पे भाग किससे दे दोगे आप लोग, 15,000। समझ में आ गया, भाग किससे दोगे इसको, 15,000। अगर फायदा नुकसान होता तब भी किससे भाग देते, सीपी से ही भाग देते। फायदा है तब भी किससे भाग दोगे, सीपी से। कितने जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, ये 5 3 15 है ना, 100/3 का मतलब होता है। तो देखिए प्रॉफिट अगर परसेंट में बात करेंगे, प्रॉफिट तो कितना निकल कर आया है, 33/1/3 या 33:1/3% प्रॉफिट। और अगर रुपीज में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5,000। या इस कंडीशन पे क्या हुआ था, हमें फायदा हुआ था। एक क्यों ना एक नुकसान वाला क्वेश्चन देख लेते। सो नुकसान के लिए यदि किसी वस्तु की सीपी, यदि किसी वस्तु की सीपी 600 रुपए है ना, सीपी कितना दे रखा है, 600 रुपए, और उसका एसपी 500 रुपए है। एसपी कितना है, इसका मतलब क्या हुआ, हमने कितने में खरीदा था उसको, 600 में, बेच कितने में दिया है, 500 में। बताइए नुकसान हुआ कि फायदा, नुकसान हुआ, कितने रुपए का नुकसान हुआ, 100। इसको लेकिन ये नुकसान तो हुआ है, लेकिन इसको हम बदले किस में, अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, 100 से। क्योंकि ये तो पॉइंट आपको रट लेना है कि भाई परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुणा करो, किससे मल्टीप्लाई करो, 100 से। मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड किससे कर दे, बताइए डिवाइड किससे करेंगे, 600 या 500, 600 से। क्योंकि हमेशा जो भी नुकसान फायदा होगा वो किस पर होगा, सीपी पर। कितनी जीरो काट दे यहाँ से, ठीक है, 100/6 का मतलब क्या होता है भाई, 50/3, और 50/3 का मतलब क्या होता है, 16/2/3%। और ये क्या हुआ है, नुकसान। तो देखिए दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए, या तो हमें नुकसान होगा या फिर फायदा, इस चैप्टर में या तो नुकसान होगा या फिर फायदा। नुकसान या तो परसेंटेज में होगा या फिर फायदा परसेंटेज में होगा, या फिर रुपीज में अगर निकालने के लिए बोला जाए तो इस तरह से आप लोग बता सकते हो। बताइए इतनी चीजें समझ में आई, हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर आपका। चलिए स्टार्ट करें कुछ क्वेश्चंस, है ना, आप लोग देखिए फटाफट से ट्राई करिए। एक कुर्सी की लागत 180 रुपए आई, है ना, द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज 180 रुपीज। उसे 216 में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा, तो देखिए व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट बाय सेलिंग इट फॉर 216 रुपीज। सबसे पहले लागत का मतलब भी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, खरीदारी। तो देखिए खरीदारी कितने की हुई उस वस्तु की, कितने रुपए की खरीदारी हुई है, 180 रुपए, है ना। उसको बेच कितने में दिया है, 216। बताइए नुकसान या फायदा, नुकसान या फायदा, फायदा। कितने रुपए का फायदा, 36। कितने रुपए का फायदा भाई, 36 रुपए का, है ना। अच्छे से माइनस करो, 46 नहीं होगा, 36। ये 36 किस में आया है, अभी रुपीज में आया है। हमें चाहिए आंसर किस में, परसेंटेज में। किससे मल्टीप्लाई कर दे इसका, 100 से, और डिवाइड किससे करेंगे, बताइए डिवाइड किससे करें, 180। क्योंकि चाहे नुकसान हो या फायदा, सीपी जिंदाबाद, नुकसान फायदा, सीपी जिंदाबाद, है ना। तो मित्रों भाग किससे दोगे आप लोग, सीपी से दोगे, है ना। काट दो इसको, ये हो जाएगा 18 + 18 = 36 और 10 = 20। सो आपका आंसर कितना बनेगा, 20%। आया मजा, बस सेकंड फ्लू क्वेश्चन सोल्व करना है, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा करना है। चार शब्दों को ध्यान रखना, सीपी बराबर खरीदना, एसपी बराबर बेचना, पी बराबर प्रॉफिट, एल बराबर लॉस, नुकसान या फायदा। किसी भी नंबर को परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, गुणा किससे करेंगे, 100 से। प्रतिशत का मान कितना होता है, 1/100। चलिए अगला ट्राई करोगे जल्दी। ₹742 की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपए में बेचा गया, है ना। एन आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 742 इज सोल्ड फॉर 700। मतलब सीपी बराबर कितना है, सीपी बराबर कितना है इसमें, ठीक है, सीपी बराबर दे रखा है 742 रुपए, और एसपी बराबर कितना दे रखा है, 700 रुपए। बताइए क्लियर क्या क्या हो रहा है, नुकसान या फायदा। वैसे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि भाई इस प्रकार हानि कितने रुपए की हुई, है ना, हानि कितने प्रतिशत की हुई।
तो कितना बच जाएगा यहाँ से 42। माइनस ही करना भाई, नुकसान पता करने के लिए करना पड़ेगा माइनस। तो देखिए 42 को जब आप परसेंटेज में बदलोगे मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, बताइए कैसे डिवाइड कर दे, 742। काट दो इसको, आंसर बन जाएगा आपका, आई थिंक पॉइंट में इसका आंसर आएगा और हमें पॉइंट में दिख पा रहा है कि भाई एक ही ऑप्शन 5.67, लेकिन फिर भी हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये इसको काटिए, किससे काटेंगे इसको, 7 से काट देते, 7 6 7 6 42। इधर देखिए 7 कम, मैंने आपको सिखाया है दूसरी संख्या पर जाने पर यदि छोटी है तो क्या लगाओगे, फिर 7 6 42, फिर क्या करोगे 2 3 6, ये कितना हो जाएगा 53। तो कितना निकल कर आएगा यहाँ पर 300/53। अब देखो डिवाइड करना मैंने आपको सिखाया है, क्या हमें 53 की टेबल से कोई मतलब है क्या, इसको लगभग में कितना मानो 50, 50 के टेबल में 30 किसके आसपास आता है, 5 की टेबल ही कर लो, 50 की मत करो, 5 की टेबल में 30 किसके आसपास आता है, 6। लेकिन ये क्या 50 है क्या एग्जैक्ट, 50 से ज्यादा है तो क्या हम 6 बार उसका पहाड़ा लेंगे क्या, नहीं। तो ये कितनी बार लेना पड़ेगा आपको, 5 बार। और देखिए संख्या ऐसी है 53 अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो यहाँ इसको पूरी तरह विभाजित नहीं करें, तो आंसर आप चेक कर लेना, आंसर क्या बनेगा इसका 5.67%, लगभग में कितना आंसर बनेगा इसका 5.67। चले आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्कूटर 30,000 में खरीदा गया, उसकी रिपेयरिंग में 3,000 रुपए खर्च किए गए, ठीक है, उसको खरीदा कितने में गया है, देखो खरीदारी मतलब सीपी, सीपी कितने में खरीदा है उसको 30,000 रुपए। अब देखो मरम्मत मतलब थोड़ा पुरानी खरीदी होगी शायद, तभी तो उसको रिपेयरिंग करवाने की जरूरत पड़ रही है, उसको रिपेयर करवाने में कितना खर्च किया गया 3,000। तो देखिए 30 में खरीदा था, 3 उसकी रिपेयरिंग में लगाया, टोटल कितने की खरीदारी हुई, तो एग्जैक्ट जो खरीदारी हुई है वो कितने की हुई है 33,000, ना कि 30,000। मतलब खरीदारी कितनी मानोगे आप लोग, 33,000 की 30 मानोगे, क्योंकि भाई रिपेयरिंग में भी तो उसने अपना ही तो पैसा खर्च किया है, इसलिए सीपी बराबर कितना हो जाएगा 33। अब उसको बेच कितने में दिया है, तो बेच कितने में दिया है उसको 39,600। नुकसान या फायदा क्या फर्क पड़ता है, रिपेयरिंग में लगा भी दिया तो उसको तो वैसे ही फायदा हो रहा है, कितने रुपए का फायदा होगा, कितने रुपए का 6,600 का, उसको फायदा कितने रुपए का हुआ है भाई 6,600। ये 6,600 परसेंटेज में कितना होगा, तो चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दो इसको, बताओ किससे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई कर देते इसको 100 से, किससे गुणा कर दे इसको 100 से, आंख बंद करके क्या करोगे 100 से, कुछ भी हो जाए दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप गुणा किससे करोगे 100 से, भाग किससे दे दे इसको 30 से दे या 33 से, 33 से, क्योंकि रियल कॉस्ट प्राइस क्या थी इसकी 33, तो भाग इसको किससे देंगे 33,000। कितनी बार कट जाएगा ये भाई, 3 0 से 3 0 ये कैंसिल, 33 का दुगना कितना होता है 66, तो आंसर इसका कितना बनेगा 20% ऑप्शन नंबर। आया समझ में, आया मजा कुछ भी, अच्छा हमने अभी तक एक भी फॉर्मूला लगाया क्या, वैसे आपको पता नहीं इसमें ना अभी तक 4 फॉर्मूले यूज हो चुके हैं, सो हमारे यहाँ फॉर्मूले का कोई काम ही नहीं है, कितने फॉर्मूले यूज हो चुके हैं 4। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट का आंसर दीजिए फटाफट से, सेम क्वेश्चन, आप
एक कंपनी ने 40,000 में एक मशीन खरीदी. अ कंपनी परचेज द मशीन फॉर 40,000. उसकी और 10,000 उसकी मरम्मत पर खर्च किए एंड स्पेंड 10,000 ऑन इट्स रिपेयर्स. कुछ समय बाद मशीन की 45 मशीन को क्या हो जाएगा यहाँ पे, मशीन को 45,000 में बेच दिया गया. तो कितने की पेशकश की गई, मतलब आपको परसेंटेज बताना कि भाई उसको क्या होगा, परसेंटेज में प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, है ना. चलो देख लेते हैं सीपी कितना दे रखा है इसमें. सीपी कितना बोला है, सीपी बराबर कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 40,000. इसकी मरम्मत में कितने खर्च किए, 10,000. कितने खर्च किए, तो सीपी कितना हो जाएगा यहाँ पर, 50,000. सीपी की कीमत कितनी हो जाएगी, 50,000. मतलब खरीदारी कितने की हुई है, रियल जो खरीदारी है वो कितने की हुई है, 50,000. उसको फिर क्या करा, कितने में बेच दिया गया, 45,000. मतलब एसपी कितना दे रखा है उसका, 45,000. बताइए नुकसान या फायदा, तो इस बार क्या हो गया इसको, नुकसान. कितने रुपए का नुकसान हुआ है, 5. कितने का हुआ है, 5,000 का क्या हुआ है, नुकसान या फिर लॉस. किस में आंसर चाहिए अपन को, ऑप्शन कैसे दे रखे हैं, परसेंट. तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे. अब देखो अगर वो नहीं बोले तो भी हमें ऑप्शन समझना पड़ेगा कि ऑप्शन भाई रुपीस में दे रखे हैं कि परसेंटेज. डिवाइड किससे करेंगे इसको, 50,000. किससे करोगे, 50,000 कि 40,000 से कर दे. वैसे अगर वो रिपेयर नहीं करता तो उसको क्या होता, फायदा होता. कितने का फायदा, लेकिन रिपेयर में कितना खर्च किया भाई, खरीदी क्यों फिर ऐसी कि नुकसान करना पड़ रहा. नहीं चलो अगला देखते हैं. फिर इसको काट दो, 20 से 20, ये 20 से 20. कितने परसेंट बनेंगे इससे, 10%. कितने परसेंट का नुकसान हुआ, 10%. आया मजा करने में. चलो अगला देखिए नेक्स्ट. फटाफट से आप लोग भी स्पीड बढ़ा दो जल्दी से. शिवा ने एक मेज 1,35,000 में खरीदी और उसे 1,10,000 में बेच दी. शिवा बोट अ टेबल फॉर रुपीज 1,35,000 एंड सोल्ड इट फॉर 1,10,000. व्हाट इज लॉस परसेंट, उसको कितने परसेंट का नुकसान हुआ. जल्दी स्पीड बढ़ाइए, है ना. खरीदारी कितने की हुई है यहाँ पर, 1,35,000 रुपए की. बेचा कितने में है उसको, 1,10,000. नुकसान या फायदा क्या हुआ है उसको, नुकसान या फायदा. तो यहाँ पे उसको नुकसान हुआ है, उसने ज्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया. कितने का नुकसान हुआ है उसको, सो उसको नुकसान हुआ है कितने का हुआ है, 25,000. ये 25,000 भाई परसेंट में कितने, अच्छा नुकसान हुआ है इसलिए लॉस. कितने में चाहिए, परसेंट में चाहिए, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100. डिवाइड किससे कर दे, 1,35,000. सो 1,35,000 से जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, काट दो इसको फटाफट से, है ना. कट जाएगा ये, कितनी जीरो काट दे, 3 0, 1 2 3. अब 2,500 को किससे भाग देना है, 135. तो 5 से डिवाइड कर दो इसको, 5 से करेंगे कितनी बार कटेगा ये, है ना. यहाँ साइड में कर लेते भाई, 2,500 को डिवाइड करना है 135. आपको लगता है फुली कटेगा कि सही में आंसर आएगा, चलो देख लेते हैं. इसको काटिए, 5 2 10, कितना बच जाएगा, 3. 5 7 35, ये हो जाएगा 25, ये 20. क्या 27 से डिवाइड होगा क्या, दो ऑप्शन दिख रहे हैं भाई जिसके डिवाइड में क्या है, 27. तो 500/7, आपको बस वही स्टॉप हो जाना है जहां तक ऑप्शन है, हमें नहीं टाइम वेस्ट करना. अगर ऑप्शन सिर्फ यही तक दे रखा था तो यही तक खत्म, अगर इसको और भी डिटेल में दे रखा होगा तो आप आगे बढ़ जाना. तो आपका आंसर कितना बनेगा, चलो आगे बढ़े फटाफट से. क्या हुआ सलोनी, नहीं आया समझ में, है ना. ऑप्शन तो दिख रहे ना आपको, ये 500/27 है, ये 30%, 270/22, और ये 200 सॉरी 22/27
सरप्राइज। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट जल्दी आप लोग इसमें बढ़ा दो फटाफट से। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1386 रुपए है, यदि हानि बच्ची 23% है तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा? हानि हो या लाभ हो, सीपी पर ही निकलेगा। आई थिंक ये मेरी बात अब समझ में आएगी आपको। चलिए एक आधार नंबर अपन के मान, अब देखो यहां से एक फॉर्मूला निकलता है लेकिन हम फॉर्मूला बिल्कुल नहीं बनाएंगे, सिंपल सी लैंग्वेज समझेंगे कि भाई अपन ने एक आधार नंबर क्या माना है। देखिए आधार नंबर किसको माना है, 100%। देखो अगर अपन को अपनी हाइट मेजर करना है, किसी भी चीज की शुरुआत करना है, तो एक आधार नंबर होता है कि नहीं होता है? अपन किसको मानते हैं, जीरो को मानते हैं। किसको मानते हैं आधार नंबर? अब अगर हमें आगे जाना होता है तो जीरो के ऊपर जाते हैं, कम जाना होता है तो जीरो से कम। इस वक्त हमें आधार नंबर क्या मानना पड़ेगा? अगर आपको फायदा होता है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, नुकसान होता है तो, क्योंकि एक आधार नंबर है ना भाई, अगर नुकसान है तो 100 से माइनस करेंगे, फायदा है तो 100 में प्लस करेंगे। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा है, यहाँ पे पूछा क्या है, क्या पूछा गया है, सीपी। और जो भी नुकसान फायदा होगा वो किस पे होगा, ये बात क्लियर है आपको? इस बार क्वेश्चन में परसेंटेज दे रखा है लेकिन सीपी और एसपी गायब। तो देखिए सीपी कितना माने पर, भाई सीपी पता है क्या आपको? नहीं। जो भी नुकसान फायदा किस पे निकलेगा, सीपी पर। कितने कितने परसेंट की हानि हुई? अब यदि 100 में से हानि हुई है, लॉस हुई है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस या प्लस? माइनस। 100 माइनस 23 कितना बचेगा, 77। और परसेंट है इसलिए डिवाइड में, और इक्वल टू में क्या रखते हैं हम, सेलिंग प्राइस, या फिर एसपी कितना दे रखा है, 13। तो निकालना क्या है यहाँ पे, सीपी निकल जाएगा, निकाल दो कितना हो जाएगा ये सीपी बराबर, क्या ये 77 से कट जाएगा क्या? देखो ऑप्शन में पॉइंट वाला ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ नंबर डिवाइड हो जाए। अब देखो ऑप्शन से कैसे सोल्व करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। आप इधर देखिए कि भाई इधर लास्ट में क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, एक काम करो डिवाइड करो, डिवाइड कर लो उसको 1800 से कैंसिल, एक काम करते 11 से कैंसिल कर लेते हैं, 77 से भी हो जाएगा बट अपन 11 से कर लेते हैं। देखिए 11 7 77, इधर आइए 11 एक काम, कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2 और 8 कितना हो जाएगा 28, 11 तो नहीं कितना बचेगा 6 6 और 6 66, 11 संग। देखो ऐसे ही समझ में आता है भाग देना, मैं आपको अगर आप डायरेक्ट 77 से भी भाग चला जाता हूँ, है ना। अगला देखिए नेक्स्ट, 7 एकम 7 एकम 7 कितना बचेगा 5, 5 और 6 56, 7 8 56, नीचे डिवाइड में कितनी जीरो है तो कितना हो जाएगा। अब देखो डायरेक्ट कैसे करना था भाई, यहां पर हम देखेंगे लास्ट नंबर क्या था, यहां पर लास्ट नंबर क्या था, इकाई का अंक क्या है यहाँ पे 7, ऑप्शन में इकाई की 100 की 2 जीरो हटा दो आप। अब देखो यहाँ पे किसको देखो आप लोग, 6 को देखो, 8 को देखो, 9 को देखो और 0 को देखो, इसमें किसका गुणा किया जाए, 6 का करे कि 8 का करे कि 9 का करे कि इकाई का अंक कितना आ जाए, 6। देखिए अगर मैंने 6 का गुणा करा इस 7 में, 6 7 42 में इकाई का अंक क्या आ रहा है, क्या यहाँ पे 2 है क्या, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, ये मतलब था समझाना आपको, समझ में आ रहा। चलो अगला देखिए 8 7 कितना होता है, 56 में इकाई का अंक कितना है, क्या इकाई का अंक 6 है क्या, तो डायरेक्ट आंसर क्या लगाते आप 18। तो क्यों ना 9 को भी चेक कर ले, 9 7 63 में कितना आता है 3, क्या इकाई का अंक 63 है क्या,
खत्म, ए से डिवाइड करना रहता है ना, आप एग्जाम में हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, लेकिन समझाना था क्योंकि इस वजह से हमने इसको टाइम को। चलो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लागत कीमत मतलब सीपी कितना दे रखा है, 1800 रुपए। लाभ कितना परसेंट दे रखा है, 32%। निकालना क्या है, उसका एसपी निकालना है। अभी जस्ट बताया, क्या हमें फॉर्मूले की जरूरत है क्या? ठीक है, लाभ हानि किस पर होती है, हमेशा सीपी पर। सीपी कितना दे रखा है, 1800। क्या हुआ है, लाभ हुआ है कि हानि? लाभ, कितने का लाभ हुआ है, 32%। 100 में प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस। तो 100 और 32 कितना हो जाएगा, 132/100, बराबर का कौन निकल जाएगा, सीपी। देखिए ना, इस वाले में भी तो हमने बराबर में किसको रखा था, सीपी रखा था। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पता थी क्या, तो कॉस्ट प्राइस को क्या माना, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मान लिया। ठीक है, सोल्व करने पर कितना आएगा, सो इजी हो जाएगा ये, 20 से 20 कैंसिल, 18 दुनी 36। इकाई के अंक पे कौन कौन है, 6 पर। तो देखिए पहला ऑप्शन तो कट जाएगा, ऑप्शन में एलिमिनेट करना सीखो आप लोग। नहीं, 18 दुनी कितना होता है, 36 का कितना आएगा, 6, हासिल का 3। 18 × 13 कितना होता है, 13 नाम कितना होता है ये बताइए, 13 नाम 117। देखो 13 नाम कितना होता है, अगर आपको 18 का टेबल 13 से नहीं करना आता, 13 का पहाड़ अपन को कितनी बार बोलना, 18 बार बोल दो, 13 नाम कितना होता है, 13 नाम बताइए जल्दी से, 117। लेकिन क्या ये 9 है क्या, ये तो 18 है, 9 का डबल है, तो 117 का डबल कितना होगा, 234। और 234 और 3 कितना हो जाएगा, 237। क्या है क्या ऑप्शन, 2376। तो करेक्ट आंसर कितना बनेगा आपका, 2376। आया गुणा करना भाई, हमें नहीं पता कि 13 की पहाड़, 18 का नहीं पता, 13 का तो पता ना, 18 का आधा कर दो, जब आप टोटल करते वक्त उसको दोना, बाकी का आप लोगों के ऊपर, यार आप कुछ भी करो मल्टीप्लाई करने पे डाल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फटाफट से अगला देखिए, नेक्स्ट। एक कैमरे का सीपी है ना, कैमरे का सीपी, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, कैमरे का सीपी उसके एसपी का कितना प्रतिशत है, किसी भी कैमरे का सीपी है, क्या है एसपी का कितना प्रतिशत, एसपी का कितना प्रतिशत है, 90%। स्टेप अगर एक बार जम गई तो क्वेश्चन सोल्व, द सीपी ऑफ अ कैमरा इज 90% ऑफ द सेलिंग प्राइस, स्टेप जम गई। तो देखिए सीपी कितना हो जाएगा और एसपी कितना हो जाएगा, सीपी बराबर होगा 90 और एसपी बराबर कितना हो जाएगा 100। अब हम क्या मान सकते हैं कि भाई उस कैमरे को अपन ने कितने में खरीदा, 90,000 मान लो, या 90 रुपए मान लो, कैमरा 90 रुपए में आता है क्या, तो नहीं, तो 9,000 मान लो ना, सीपी कैमरे को कितने में खरीदा अपन ने, 90 रुपए में, बेच कितने में दिया, 100 रुपए में, कितने का फायदा हुआ है, 10 रुपए का, 10 रुपए मान लो है ना, इसको 90 मान लो, इसको 100 रुपए, तो ये जो 10 रुपए का जो फायदा हुआ है वो परसेंटेज में कितना होगा, मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से, और भाग किससे देंगे इसको, 9 से, कितना जाएगा भाई, 11 सही 1/9%। सो आंसर कितना बनेगा आपका, 11 सही 1/9%। समझ में आई ये भाषा, समझ में आई, जो सीपी था वो एसपी का कितना था। देखो एक शब्द का इस्तेमाल होता है का, मैंने कहा सीपी एसपी का कितना प्रतिशत है, 90, और इस का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, क्या होता है, गुणा। ऑफ इंग्लिश में इसको क्या इस्तेमाल किया जाता है, और ऑफ का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई, इस चीज को आपको माइंड कर लेना। चलो फटाफट से जल्दी से अगला आंसर दीजिए। एक बक्से में 780 केले हैं, जिनमें से 130 केले सड़े हुए हैं। देयर आर 780 बनानास इन अ बॉक्स, आउट ऑफ विच 130 आर रोटन एंड द रेस्ट आर गुड क्वालिटी।
और बचे हुए अच्छी क्वालिटी के हैं, तो जो बचे हुए हैं उनका प्रतिशत कितना है? ना परसेंटेज ऑफ गुड क्वालिटी बनानास इज, भाई टोटल बक्से में कितने केले थे? देखिए टोटल बक्से में कितने केले हैं, 780। कितने खराब है उनमें से? खराब किनमें कितने हैं? 130। तो हमने क्या करा, 130 को हटा दिया भाई, फेंक दिया। जब खराब है तो उसका क्या करेंगे, हटा दो। 8 - 3 कितना हो जाएगा, 5। तो देखिए अच्छे केले कितने बचे, टोटल कितने थे, खराब कितने हैं? 130 से कोई मतलब है क्या? बचे हुए कितने हैं अच्छे? इनको आंसर किस में देना है, परसेंटेज में। मल्टीप्लाई किससे कर दो आप, तो गुणा 100 से कर दो बस, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, किससे गुणा कर दो, नहीं रटना हमें फॉर्मूला भाई, फॉर्मूले एक पॉइंट रट लो। परसेंटेज बराबर मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज गुणा 100, परसेंटेज 100, परसेंटेज, परसेंटेज का मान 1/100। और परसेंटेज में बदलना है तो रट लो, उठते बैठते सोते जागते। मैथ्स के 5 से 6 टॉपिक ऐसे हैं जो पूरा किस पे और बेस्ड है, पूरा परसेंटेज। अगर आपने उनको पढ़ लिया तो ये समझो कि आप आधी जंग जीत चुके हो मैथ्स की, फिर बाकी के चैप्टर कुछ भी नहीं। जो एडवांस मैथ्स होता है ना उसमें परसेंटेज इस्तेमाल होता है ना, किससे भाग देते बताइए। तो देखिए इस कंडीशन पे ना तो हमारे पास सीपी था ना ही, आप हमेशा भाग किससे दोगे, टोटल से। किससे भाग दोगे, जब हमारे पास सीपी एसपी नहीं होता है तो हम किससे भाग देते, कुल से। तो टोटल कितने थे, 780, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 0 से 0 कैंसिल, क्यों ना इसको काटो ही मत आप लोग। अच्छा 13 से कट जाएगा, 13 के पहाड़े में 78 कितनी बार आता है, 6 बार। तो 13 छंग और 13 पंजा कितना हो जाएगा, ये 500 बटा इसका आधा कितना हो जाएगा, 250 बटा, और इसको भी सोल्व करेंगे तो 3 8 24। 8 से कोई रिलेटेड ऑप्शन है क्या, तो काहे जाना आपको पूरा पूरा सोल्व करना। आंसर क्या हो जाएगा, 83.33%। इतना क्या कम सोल्व करा क्या अपन ने, जो पूरा सोल्व करे, बट संतुष्टि के लिए भाग दे देते 3 8 24। कितना बचेगा, 1, 1 और 0, 3 3 फिर वापस 1 बचेगा, फिर 0, फिर 3 3 3 3 3। देखो ये ऐसा नंबर है जो नहीं रुकता, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 83.33%। चलो फटाफट से जल्दी से ट्राई करो। भाई 120, अच्छा यहाँ पे रुपीस वगैरह नहीं लिखे हुए, तुम बता दूं, 120 संतरे कितने में खरीदे गए, 350। टोटल संतरे कितने खरीदे गए, 120, और 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से उनको बेच दिया गया। अच्छा अगर हम बात करें कि भाई दर्जन में, तो एक दर्जन बराबर कितना होता है बताइए, एक दर्जन में टोटल कितनी चीजें आती हैं, 12। देखो जब क्वेश्चन बेचने की बात आई है तो दर्जन के हिसाब से आई है। सबसे पहले टोटल कितने संतरे थे, 120 संतरे थे जिनको कितने में बेचा गया, 350 में क्या करा गया, खरीदा। क्यों ना हम दर्जन के हिसाब से देख ले, चलो छोड़ो दर्जन मत देखो, 120 को यदि हम दर्जन में बदले तो एक दर्जन बराबर 12, दो दर्जन बराबर 24, तीन दर्जन बराबर 10, दर्जन बराबर 120। तो ये 120 है वो दर्जन में कितने हैं, कितने हैं, 10 दर्जन। क्या हम बोल सकते हैं कि भाई जो 10 दर्जन संतरे थे उनको कितने रुपए में खरीदा गया, 350 में, और प्रति दर्जन कितने के हिसाब से बेचा गया, एक दर्जन की कीमत कितनी है, 48 रुपए। कितने दर्जन है टोटल, तो 10 दर्जन की कीमत कितनी हो जाएगी, 48 × 10, 400। देखो ये तो बना सीपी और ये बना दर्जन, को दर्जन बदल दिया, आई बात समझे, नुकसान या फायदा, नुकसान या फायदा, कितने रुपए का फायदा, 100
किस में चेंज करोगे? उठते बैठते सोते जागते किससे गुणा करें? तो गुणा मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय बताओ 350, काट दो 0 से 0। भाई 35 से ऑप्शन है क्या, कट जाएगा क्या ये भाई? आई थिंक नहीं कटेगा, पॉइंट में आंसर आएगा। तो इसका आप आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं, शायद ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर कहाँ बताओगे आप? कमेंट। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, है ना। ये फर्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन किए हैं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।